विदाई किसी की भी हो, कहीं भी हो, खुशी और आंसू दोनों साथ होते हैं। उस परिवार में जाने का सुख और इस परिवार से बिछड़ने का दुख समझ ही नहीं आता। सुख और दुख में किसका पगड़ा भारी है? चलिए मम्मी, टाइम हो रहा है। एक मिनट, जो पहले किया है वो दोबारा मत कीजिएगा। आपकी माँ का आज, आपका आने वाला कल है। मुझसे गलती हो गई, ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मम्मी को खुश रखूं, सारे सुख दे सकूं। अब गलती होनी भी नहीं चाहिए। तुसी भी अपना ख्याल रखना। मैं वाहेगुरु से अरदास करूंगी कि आपकी आद्या जल्दी मिल जाए। मेरा बेटा भी खो गया था, आज वापिस आया। ऐसे आपकी बेटी भी वापिस आ जाएगी। जो लिखा है वो होगा भी। अन्ना, आपके टूटे दिल की तो कोई दवाई नहीं, लेकिन आपकी दिल्ली टूटा दिल मतलब क्या? कुछ नहीं अनु, ये बकवास कर रहा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इसने अभी कहा टूटा दिल क्या? क्या है अनुड़ी? ए चुप अनुड़ी, मैं बताता हूँ। हाँ? ये जो अपने बाला अन्ना है ना, हाँ? ये अपनी इंदिरा जी से प्यार करते हैं, और कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं, इश्क मोहब्बत वाला प्यार। काका, सॉरी अनु, मेरे को मालूम तुमको अजीब सा लग रहा होगा, ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन क्या करता अनु मैं, इंदिरा जी इतनी अच्छी है, वो मुझे कब अच्छी लगने लगी पता नहीं चला। अभी तुम मेरे को डांटेगी नहीं है, मैं सॉरी बोल सर। सॉरी किस बात का काका? मैंने जब अनुज से प्यार किया तब मैं 44 साल की थी, तलाकशुदा थी, 3 बड़े बड़े बच्चों की माँ थी। मैंने तब उनसे प्यार किया, मुझे शर्म नहीं आई अपने प्यार पर, तो आप क्यों सर मारे? मुझे प्रॉमिस कीजिए कि जब आप इंदिरा जी से मिलेंगे तब उन्हें अपने दिल की बात कहेंगे। प्रॉमिस? अब मैं करेगा बात। गॉड ब्लेस यू। जब तुम ऐसे समझाते ना तो हिम्मत आ जाती। ऐसे करो। ऐसे क्यों? जब इंदिरा जी को आप आई लव यू बोलोगे ना तो ऐसे ही हार्ड बना के आई लव यू बोलना। हाँ, पता है कोरिया में जब किसी को आई लव यू बोलना होता है ना तो ऐसे ही हार्ड बना के आई लव यू बोलते हैं। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।